आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप में हम इंडेक्स मैच और लुकअप मेथड, नॉट कॉल्ड वी लुकअप, लुकअप मेथड के बारे में हम बात करेंगे आपके साथ। तो आज हमारे पास एक रिकॉर्ड डेटा है जिसमें आप देख रहे हैं कि आईडी हमारा बीच में है। VLOOKUP में स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिसके बिहाफ पे आप लुकअप कर रहे हो वो फर्स्ट में होना चाहिए, क्योंकि VLOOKUP लेफ्ट टू राइट चलता है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे जो आईडी है जिसके बिहाफ पे चाहिए, मुझे मान लीजिए मुझे फाइल का मुझे यहाँ पे नेम, हायर डेट, सैलरी, बोनस चाहिए, ये हम नहीं ला पाएंगे। लेकिन हाँ, इसके अलावा ओवर टाइम चाहिए तो ये हम VLOOKUP से ला सकते हैं। तो हम इसकी सैलरी कैसे लाए, ये VLOOKUP के बस के बाहर है। हालांकि अब नया जो 2000 ऑफिस 65 है उसमें हमारे पास एक एक्स लुकअप नाम का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें नहीं है, मैंने परचेज किया है। लेकिन क्या हुआ प्रॉब्लम कि मुझे फीचर्स तो दिए हैं लेकिन सारे फीचर्स नहीं दिए हैं मुझे, पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने प्लान प्रोफेशनल चूज किया था शायद इससे या क्यों अकाउंट में। ये ऑफिस 365 प्रोफेशनल 2016 कर दिया है ऐसे। सेल्स का रंस मैं इस पे देखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारे पास एक मैच फॉर्मूला है। मैच फॉर्मूला में हमको बताया था कि किसी भी सेल वैल्यू को किसी एक फील्ड के अंदर हम लुकअप करते हैं। तो बताता है कि उसका रो इंडेक्स नंबर क्या है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रो नंबर नहीं दिखाता है, दिखाता है रो इंडेक्स नंबर। यहां से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 6 दिया, ये 6 नंबर रो नहीं दिया है। अगर मान लीजिए कि मैं अगर यहां से स्टार्ट करो, फिर भी आपको देखिए यहां 6 दे रहा है, तो ये काउंटिंग यहां से कर रहा है, तो रो इंडेक्स नंबर यहां देता है। उसके बाद हमारे पास जब भी नंबर चेंज करे, जैसे मान लो 8 कर दिया तो 8 का रो इंडेक्स नंबर दे देगा। तो मैच क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ध्यान रखिएगा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चलता है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चलता है और मैच करता है, राइट इस तरह से। और फिर यहां पे हम इंडेक्स नाम का एक फॉर्मूला होता है। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि एक एरिया को हम जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, एक एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं और यहां पे हम रो नंबर मान लीजिए 2 एंड कॉलम नंबर 1 कर दिया, तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर रो एंड कॉलम 1 नंबर कॉलम का डेटा दिख जाता है। तो इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि एक एरिया लेता है, उस एरिया में जो भी रो इंडेक्स नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे, ये भी इंडेक्स नंबर डलता है, रो नंबर भी डलता है। मान लीजिए आपका डेटा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से स्टार्ट है, फिर भी आप यहाँ पे 2 और 1 ही डालेंगे। सो रो इंडेक्स नंबर एंड कॉलम इंडेक्स नंबर डालने पे रिजल्ट शो कर देता है। तो रो कॉलम हमें पता है कि कॉलम हमारा है 1 2 3, तीसरा नंबर कॉलम है और रो इंडेक्स नंबर हमारा मैच से आ जाएगा, जो हमने मैच लगाया हुआ 9 उस मैच से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने रो इंडेक्स और मैच को आपस में कंबाइन करके एक वी लुकअप जैसा फॉर्मूला बना दिया, जो कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट किसी भी एंगल में मैच करता है। तो इशाद जी, मनोज जी एंड उमेश जी, किसी तरह का डाउट इसमें? ठीक है ना?
अब कॉलम यहाँ इसको आपस में मर्ज कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे कॉपी किया और हमने इसको C17 के जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, तो इंडेक्स में यहाँ पे इकट्ठा हो। अब क्या है प्रॉब्लम कि इंडेक्स जो हमने लगाया उसने पूरा एरिया एक ले लिया, एक एरिया उसने लिया, राइट। अब यहां पे हम यही चाहते हैं कि हम एरिया ना ले, क्यों? क्योंकि मेरा एरिया घटता और बढ़ता रहता है, मेरा एरिया घटता एंड बढ़ता रहता है। तो कुछ ऐसा ना चाहिए क्योंकि बार बार हमें इसको बढ़ाना और घटाना पड़ेगा। हमारे पास एक ऑफसेट फॉर्मूला भी होता है, हालांकि ऑफसेट का काम कुछ और होता है, लेकिन यहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है, यहां पे देखिए ऑफसेट फॉर्मूला का काम है कि ऑफसेट फॉर्मूला यहाँ पे सेल वैल्यू को एक स्टार्टिंग ऑफ द रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें ऑफसेट में पूरा रो सेलेक्ट करने के, पूरा डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टार्टिंग ऑफ द डेटा आप सेलेक्ट करें। फिर रो नंबर किसका चाहिए, तो पांचवे का चाहिए, तो यहाँ यहाँ जीरो से काउंट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, जो पांच होगा यहाँ पे, जो इंडेक्स का पांच होगा यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 0, 1 एंड 2। अब इसमें आपका कॉलम डेटा आगे कितना भी बढ़े नीचे कितना भी बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैच यहाँ भी चाहिए होगा, सो मैच का यूज तो हम यहाँ भी करते हैं। तो जहां पे हमने 4 मैनुअल लिखा है उसे जब पे मैच करेंगे, लेकिन इसमें हम माइनस 1 करना नहीं भूलेंगे। तो इशादी मनोज जी एंड उमेश जी, मैच इंडेक्स ऑफ मैच इंडेक्स और ऑफसेट मैच क्लियर है जी? हाँ जी सर। एक बार ऑफसेट का मेरे को क्लियर बता दीजिए। एक बार मैं ऑफसेट में ना वैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम निकालते हैं ना एक्सिस ऑफसेट में, जैसे इंडेक्स बोलता था यहाँ पे, ऑफसेट में और भी चीजें हैं उसको भी फिलहाल छोड़ दीजिए, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है? फिलहाल आप ठीक ठीक मैच इंडेक्स फॉर्मूला, इंडेक्स फॉर्मूला में क्या होता है कि एक एरिया सेलेक्ट कर दीजिए, रोल नंबर कॉल नंबर दे दीजिए, उसका डेटा दे देता है। सेम यहाँ है, एरिया सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सेलेक्ट करना है, रोल नंबर एंड कॉल नंबर डाल दे। लेकिन ऑफसेट और मैच में क्या डिफरेंस है, इसमें माइनस एक कम होता है क्योंकि ये जीरो से काउंट स्टार्ट करता है ऑफसेट। हाँ जी हाँ जी समझ गया। इसमें रो ये वन और थ्री सर, वन और थ्री हाइट और ब्रेथ है, इसका यूज हम आगे आपको बताएंगे नेमिंग मेथड में। हाँ जी ये सर, ये ऑफसेट में वन और थ्री लिखा आपने, ये क्या चीज है मतलब समझा नहीं मैं। वन नंबर रो, थ्री नंबर कॉलम, यहाँ पे देखना रोज एंड कॉलम। अच्छा वन है रो, एक रो है, तो यहाँ पे यहाँ से जीरो एड एंड टाइलर आएगा ना, 0, 1, 2, 3 99 सो करेगा। अच्छा अच्छा कॉलम और रो, ओके कॉलम ये हो गया रो, ठीक है सर। इंडेक्स की तरह काम करता है, डेटा लुकअप करता है गिविंग द रो नंबर और इंडेक्स नंबर, राइट सर? ठीक है तो ये समझ में आ गया। right, अब के लिए हम एक लुकअप हैं, अब इसी को उठाता हूं मैं, और ये तो वर्टिकल है हमारा, अब इसी को मैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोज होता है, ओके कर देता हूँ, ठीक है? Thank you.
अब मुझे अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं वी लुकअप तो लगा नहीं सकता, मुझे पांचवे नंबर आईडी का मान लीजिए मंथ चाहिए, तो वी लुकअप तो लगेगा नहीं। तो हमारे पास वी लुकअप जैसा एच लुकअप होता है। आवाज कट रही है सर, बोल रहा हूँ कि मंथ और ए क्या बोलते हैं हमारा जो आईडी ये डेटा है, ये डेटा अब हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, हाँ जी हाँ जी, इसमें क्या होगा कि अब आपका इसमें मंथ ए आपका यहाँ पे फाइव के अगेंस्ट में मुझे अगर मंथ चाहिए वी लुकअप तो वर्क करेगा नहीं। तो वी लुकअप ही जैसे वो ट्रांसपोज से करेंगे एच लुकअप का है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डेटा टेबल को सिलेक्ट करते हैं और कॉमा हम यहाँ पे करते हैं वन रो नंबर, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स नंबर रो एंड कॉलर यहाँ पे जीरो। जैसे वी लुकअप लगाते हैं सेम ऐसा लगता है, बस यहाँ पे आपको सिलेक्शन थोड़ा सा अलग होता है और रो के जगह पे कॉलम देना, कॉलम के जगह पे रो देना होता है। अब इसको जरूरी नहीं है कि अब इसको किया जाए, मैं इसको ऑफसेट मैच या रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है रिकॉर्डिंग रखो, मेरे पास है नहीं ना। हेलो सॉरी सर, यहाँ बारिश काफी तेज हो रही है इसलिए सर इंटरनेट थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है। हाँ सर, नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। बारिश यहाँ पे मैच लगाया, मैच में मैंने आप इसको सिलेक्ट किया कॉमा और मैंने अपना रो नंबर लिया, क्योंकि मैच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों काम करता है। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स लगाता हूँ और इंडेक्स में डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसमें मैं रो नंबर, जो हमारा रो नंबर है ये हमारा सिक्स है मंथ का, और कॉलम नंबर हमारा जो है वो भी सिक्स है, क्योंकि हमारा कॉलम वाइज रो तो फिक्स होगा, सिर्फ हमारा कॉलम ही चेंज होता रहेगा ना सर मैच के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पे सात दूंगा, आठ दूंगा, नौ दूंगा, वन दूंगा, टू दूंगा, इस तरह से आएगा। और सेम इसको ऑफसेट से भी किया जा सकता है, हम ऑफसेट में स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देंगे और इसमें हमारा रो नंबर क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव होगा तो फाइव यहाँ डालता हूँ, और कॉलम नंबर हमारा जो मैच का रिटर्न है वो माइनस वन कर देता हूँ। तो आप एच लुकअप लगा ले, मैच इंडेक्स लगा ले या फिर ऑफसेट मैच लगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर? तो सर इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आज नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है मेरा, और आगे हम क्या बोलते हैं एडवांस हम आपको अगली क्लास में, कल की क्लास में सिखाएंगे।